Light, sound, roll camera, action. Zarin interview, take. चलिए आपको मिलवाते हैं कैटरीना की लुक अलाइक से। I've always admired सलमान खान। खूबसूरत जैकलिन कहा जाए तो इसमें डराने का काम कर रही है? नहीं, कभी नहीं एक्चुअली। शाहरुख के साथ ही फिल्म करना चाहती हैं, डेब्यू करना चाहती हैं बॉलीवुड में। कौन नहीं करना चाहता शाहरुख के साथ काम? You came back with a bang. Literally, yes, I am toting a gun. Just an amazing experience. यामी, आपकी शुरुआत ही हुई थी एक हिट फिल्म के साथ और आप ये भी एक फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो रही है, तो इससे क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज्यादा है और खास करके एक लव स्टोरी है। जब मैं यहाँ होता हूँ तो अच्छे दोस्त मिलते हैं। बहुत ज्यादा फिजा के साथ जुड़ गया वो। जी हाँ, वो रहमान साहब ने एक्चुअली फ्री किया था मेरे लिए। फिंगर आपको जब मिली फ्रिज में, वो सीन देखते हो खुद को भी डर लगा। आप पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट भी थे? जी था, बनने गया था, कहा नहीं। फिर अगर पायलट बनता तो कभी इंडिया ना आ पाता ना। हाँ, बहुत ही ये एम्बिगुअस बड़ा टेढ़ा सा मंज़ा है कि गुड सिनेमा क्या होता है। आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो कलाकार और आज के हमारे कलाकार हैं द ओनली वन बिग बी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पांव कवर में लटक रहा है और इरादा आसमान को छूने का है। अरे मेरा पांव तो कवर में है कुतरिया, तेरा तो सीधा जलाने को आता है। उसे मतलब एक्टिंग में भी आपने वही जौहर दिखाया जो डायरेक्शन में 80s में आपने अमिताभ बच्चन साहब को जब डायरेक्ट किया था कालिया और शहंशाह जैसी फिल्मों में, इस फिल्म में आपने उनके साथ काम किया। कमाल है और जहाँ पे एक्टिंग का कमाल है। जी डायरेक्शन में आप द कैप्टन, एक्टिंग में कोई और कैप्टन था। फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मॉरिशस हाई कमिश्नर टू इंडिया जगदीश्वर गोवर्धन जी, और हमें उन्होंने अपना कीमती समय दिया है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस यानी यौमे जमहूरिया के तौर पर याद करते हैं। और जो खुशियां होती हैं वो कभी भी उनके पीछे भागने से आपके हाथ नहीं आती हैं। खुशियां अगर आपको चाहिए तो आपको गम को भी अपनाना पड़ेगा। रिसर्च भी ये बताती है कि जो लोग गम से, तकलीफ से, दुख से दूर भागते हैं वो दरअसल सच्चाई से भाग रहे होते हैं।